हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं प्याज के बारे में बताऊंगी कि प्याज कितना फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके घर में प्याज है ना, तो प्याज खाना चाहिए और बहुत ही फ़ायदा होता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। अगर हमारे जैसे हमारा वजन भी ज़्यादा है, तो उसको भी कम करने में एक औषधि के रूप में हम प्याज का सेवन कर सकते हैं। जैसे औषधि होता है ना, उस तरीके से हम प्याज का सेवन कर सकते हैं। तो और भी आगे की वीडियो मेरे आप लोग देखिएगा कि मैं क्या क्या उस प्याज के बारे में बता रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। तो आगे आप देखते रहिए कि वीडियो में मैं क्या क्या बताऊँगी प्याज के बारे में। तो वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बता रही हूँ कि प्याज के फ़ायदे क्या क्या हैं और प्याज क्यों खाना चाहिए और किस सीज़न में खाना चाहिए। प्याज तो हमेशा ही मिलता है, गर्मी हो सर्दी हो, किसी भी सीज़न में प्याज तो मिलता ही है, और प्याज को क्यों खाना चाहिए। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। और किचन में अगर आपके पास प्याज नहीं है, तो सब्ज़ी का स्वाद भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इस वजह से आप प्याज को हर चीज़ में सेवन कर सकते हैं, प्याज को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, और प्याज बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, प्याज में ऐसा, प्याज एक औषधि है, जैसे कि हमारे वज़न को कम करने में मदद करता है। अगर आप प्याज को डेली खाते हैं, जैसे सैलड बना के या सब्जी बना के जैसे भी खाते हैं, तो हमारी आँखों की रोशनी पे भी असर नहीं पड़ता, हमारी आँखों की रोशनी भी बहुत अच्छी होती है, बाल को काला करने में भी हेल्प करता है, और हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी बढ़ाता है। और कैंसर के रोगों, जो कैंसर की बीमारी होती है, वो भी नहीं होने देता है। कैंसर में ऐसे जो कीटाणु होते हैं, सेल्स को मारता है, जो कैंसर से, जो कैंसर नहीं बनने देता है। तो बहुत सारे फ़ायदे चीज़ होते हैं प्याज में, तो प्याज को खाना चाहिए। अस्थमा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, त्वचा को ग्रो करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को जैसे कम करने में हेल्प करता है। जो हमारी त्वचा होती है उसके स्किन को बिल्कुल सही रखता है, अच्छा बना के रखता है, बिल्कुल स्किन बिल्कुल मुलायम रहता है। और हमारे जो भी शरीर में जैसे कि पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो प्याज का सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे हमारे जो पिंपल्स हो गए हैं चेहरे पे, वो सारे पिंपल्स, झुर्रियाँ, सारा कुछ ठीक हो जाता है। और त्वचा रोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो त्वचा ख़राब हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। और वज़न को मेंटेन करके रखता है, हड्डियों को मजबूत करके रखता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो प्याज में होते हैं। तो हम सभी को प्याज का सेवन करना चाहिए। और मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप चाहे तो इसका भुजिया बना के खा सकते हैं या सैलड बना के खा सकते हैं। आप किसी न किसी रूप में आप प्याज का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों को होने में बचाता है, बहुत सारी बीमारियों को रोकता है, बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में नहीं आने देता है, अगर आप प्याज खाते हैं। तो प्याज का सेवन हर टाइम हर रूप में करना चाहिए। आप किसी भी, जैसे कि प्याज को कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे आप प्याज को मॉर्निंग में खाली पेट भी खा सकते हैं, जैसे आप इसका छिलका उतार के आप सिर्फ उसको काट के प्याज को, उसका जो जड़ है उसको निकाल के आप उसको सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं तो वो भी इसको खा सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में आप प्याज का सेवन कर सकते हैं। प्याज में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है, जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं और नहीं बनने देते हैं प्याज। और हमारा जो मुंह है, हमारे मुंह के, जैसे मुंह को भी स्वस्थ रखता है, जो अंदर का सिस्टम है हमारा, जो हमारे बॉडी का सिस्टम है, उसको भी प्याज बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है। तो प्याज के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको आपको खाना चाहिए। बाल को ग्रो करता है, बाल को ब्लैक बनाता है, बाल झड़ने नहीं देता है। तो बाल के लिए, फेस के लिए, हर चीज़ के लिए प्याज बहुत ही फ़ायदा होता है। तो आप इसको सेवन कीजिए, बहुत अधिक मात्रा में आप प्याज का सेवन करिए। आप इसको ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, हर टाइम आपको प्याज मिलेगा। ये एक थोड़ा सीज़न के हिसाब से प्याज महंगा हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्याज का सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। ये डिप्रेशन को भी सही रखता है, जैसे आपको दिमाग में टेंशन है या डिप्रेशन है, तो प्याज का सेवन करने से डिप्रेशन भी सही हो जाता है।
आप इसको किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं, हार्ट अटैक के लिए या कुछ भी, हर चीज़ में आप इसका सेवन कर सकते हैं। खांसी जुखाम कफ के लिए, अगर कफ आपका बन रहा है तो थोड़ा सा प्याज को भून के खा लेना चाहिए, तो इससे भी आपका बहुत ही फ़ायदा होता है। या जैसे आपके मानसिक स्थिति सही नहीं है, या जैसे कि माथे में भी दर्द है, या जैसे हेड का प्रॉब्लम है, या कुछ भी, तो इस रूप में भी आप प्याज का सेवन कर सकते हैं, जो आपके जो मानसिकता है या उसको बिल्कुल सही रखता है प्याज, तो आपको खाना चाहिए, प्याज का सेवन हर रूप में करना चाहिए। ये लीवर के, जैसे लीवर के जो रोग होते हैं, लीवर के रोग को भी मतलब सही करता है, जिसको लीवर की प्रॉब्लम है उसको भी सही करता है, जिसको शुगर ब्लड प्रेशर है उसको भी सही करता है। तो शुगर वाले इंसान को भी प्याज खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जैसे थोड़ा सा तीखापन रहता है, तो इस वजह से भी शुगर वाले लोगों को प्याज खाना चाहिए। और इसका कलर आप किसी भी कलर में देख सकते हैं, जैसे कि भूरा कलर में भी होता है, ब्राउन कलर में भी होता है, प्याज कई कलर में आ जाते हैं, आजकल 2-3 कलर में आते हैं, तो बहुत ही फ़ायदा होता है इसमें। यह जो बैक्टीरिया होती हैं उनको लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, जैसे कि हमारे शरीर में जो भी कीटनाशक या कुछ भी अगर होता है तो प्याज उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो प्याज को खाना चाहिए हर रूप में, मैं यही बोलूँगी कि प्याज का सेवन आप लोग सभी लोग करिए और प्याज हर रूप में सेवन कीजिए। जैसे आपके ब्लड में जो खून का थक्का बन जाता है, तो उस खून के थक्के को जैसे बनने में रोकता है, अगर खून के थक्के ब्लड में नहीं बनने देता है, तो इस चीज़ से भी आपको राहत मिल सकता है। अगर किसी का जैसे कि ब्लड में प्रॉब्लम है तो प्याज को खाना चाहिए, जिसका ब्लड इन्फेक्शन है या कुछ भी है तो प्याज को खाना चाहिए। जो भी ब्लड का थक्का आपके जैसे बॉडी में बन रहा है तो प्याज का सेवन करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम प्याज के सेवन से दूर हो जाएगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बॉडी को बिल्कुल सही रखता है, तो आप इसको सेवन करिए और हर रूप में सेवन करिए, और ऐसे ऐसे ब्लॉग के लिए, ऐसे ऐसे नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि हर किसी को पता लगे कि हाँ प्याज में ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है जिससे हमारे बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रख सकता है प्याज। तो इसलिए मैं आज ये रिक्वेस्टेड वीडियो था जो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ, तो प्याज के ऊपर कि प्याज का सेवन करने से क्या क्या होता है। प्याज का आप सब्जी बनाकर खाइए, प्याज को आप सैलेड बना के खाइए, प्याज को जैसे कि प्याज का तेल भी बना सकते हैं, और बालों के लिए बहुत ही स्वस्थ होता है, अच्छा होता है। आप इसका फेस पैक भी आता है, प्याज का फेस पैक भी आता है, जैसे प्याज को काटने के बाद उसका थोड़ा सा रस क्रश कर लीजिए, प्याज को क्रश कर लीजिए, और उसके बाद जो रस निकलता है वो भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। इससे भी जो त्वचा है, जो आपका चेहरा है, बिल्कुल अच्छा ग्रो करता है, ग्लोइंग बिल्कुल फेस, बिल्कुल चिकनाहट, बिल्कुल अच्छा लगने लगता है फेस। तो इस रूप में भी आप प्याज का सेवन कर सकते हैं, आप फेस के लिए सेवन कर सकते हैं, खाने में सेवन कर सकते हैं, और बालों के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो प्याज का हर रूप में आप सेवन कर सकते हैं, तो जितना हो सके प्याज का सेवन कर सकते हैं। हमारे हर जैसे कि औषधि है, एक तरह से प्याज एक औषधि है जो हमारे बॉडी को बिल्कुल फिट रखता है, और हमें हर रूप में प्याज का सेवन करना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हमें हर रूप में प्याज का सेवन करना चाहिए। और ये वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करो, ताकि आप लोगों को हर जानकारी मिलती रहे प्याज के बारे में, या कोई भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी, ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें कि आप लोगों को किस चीज़ की जानकारी, कौन सी सब्ज़ी की जानकारी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक।